Hey guys, good morning. Welcome to a new vlog and welcome to my channel, Vlogger Manu. I hope you all are doing fine. अभी मैं निकली हूँ मनीष के साथ मार्केट जाने को, तीन चार काम करने. एक तो जतिन का बर्थडे है तो हम लोग यहीं हैं, यहीं पे बर्थडे हैं, तो कुछ गिफ्ट दिला लाते हैं उसको. तो पापा और वो पीछे से आ रहे हैं और पापा को भी देखो. मैं सोचती सोचती रह गई कि गुलाल छुड़ाना है यार, फेस पे पूरा गुलाल लगा हुआ है. तो उसको दिलाना है, प्लस पापा के लिए भी कपड़े लेने एक शादी के हिसाब से, पैंट शर्ट, और हमें बारातियों के लिए रिटर्न गिफ्ट भी देख के आने हैं. तो वो चीज़ें हैं. बाकी वरमाला का काम था, लेकिन वो जो है दीदी के साथ जाऊँगी, मंशा दीदी के साथ, उनकी जान पहचान है तो उससे वो काम हो जाएगा. तो अभी के लिए तो चलिए हम मार्केट के तीन चार काम ख़त्म करके आते हैं. एक्चुअली हालत तो मेरी बिल्कुल नहीं थी, मेरी हालत थी कि जाके बस पड़ जाऊँ नीचे, सर जाऊँ, हाथ पैर और नींद के मारे चोक चाक बिगड़ रहे हैं मेरे तो ना. पर क्या करें, शादी वाला घर है, काम तो करने ही है जैसे तैसे. तो सबसे पहले आए हम बारातियों को जो रिटर्न गिफ्ट देना है वो सब ऑप्शंस देखने. काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये देखो ये सब रख रखा है. बाकी और भी ऑप्शंस दिखा रहे हैं, वो देखते हैं हम क्या फाइनलाइज करते हैं. अगर सही मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं और देखते हैं. बाकी तो अभी तो सब देखते हैं क्या फाइनल होता है. हम चारों आए हुए हैं और इसमें बॉक्स में ना, इसमें था ना ये. तो रिटर्न गिफ्ट अभी फाइनल कर लिया, लेकिन मैं रिवील नहीं करूंगी कि क्या लिया है हमने, क्योंकि मेरे ब्लॉग जो है पिंकू के इन लॉज भी देखते हैं तो उनके लिए सरप्राइज होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स. इसलिए रिवील नहीं करेंगे हम लोग. यहाँ इन लोगों का पैंट शर्ट फाइनल हो गया, पसंद कर लिया. तीनों लोग बैठे हुए, मैं तो कॉर्नर में बैठी हूँ एकदम ना. मैंने कहा तुम लोग फाइनल करो अपनी. ये देख लो इनका, सबका चूज कर रहे हैं ये लोग. हम लोग आए जतिन को गिफ्ट दिलाने के लिए. इसको चाहिए एक स्मार्ट वॉच, तो ऑफ कोर्स फिर साथ में ये तो इसकी पसंद का ही देना चाहिए, सरप्राइज रखने से क्या ही फायदा. इनको अभी तक तो वॉच पसंद आई नहीं है, फाइनलाइज नहीं करी. यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, पता नहीं यहाँ पे बोल रहा था कि सेल नहीं होती है स्मार्ट वॉच ज़्यादा, तो सिर्फ फायरबॉल्ट और एक बोट का ऑप्शन है. बोट के भी सिर्फ एक वॉच मिली है, तो और जगह उसने बताया कि वहाँ पे मिल जाएंगे आपको ऑप्शन, देखते हैं. बट बीच में वी मार्ट था तो पापा के शूज़ लेने थे, तो फिर शूज़ देखने आए वी मार्ट में. अगर यहाँ पसंद आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट से जहाँ से पापा लेते हैं वहीं से दिलाएंगे इनको. बस दीदी के यहाँ आ गए खाना खाने, चल रहा है यहाँ पे भंडारा. बस यहीं पे सब खाना खा रहे हैं. अभी अभी बाद में फिर थोड़ा बहुत खाएगी जो खा लेगी. चलो खाना. कटी बैठा उठी बैठा का फिर था यूं कहगा कि भाई जोड़ा से बैठ गया. हाँ ना बैठ रही ना तो कहीं था, तो फिर यूं कहगा जोड़ा से बैठ गया. खाना शुरू कर लिया, जल्दी जल्दी खाना खा के हमें वापस जाना है, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है. आज जो तेल चढ़ेंगे ना वो अभी चढ़ेंगे, फिर बन्ना बन्नी गाने. तो जल्दी से खाना खा के और मनीष को निकलना अपने गाँव, घर जा रही हैं, वहाँ से कुछ सामान वामान लेके आना है. खाने में है रायता, खीर, और ये आलू मटर की सब्जी है, नमकीन है, नमकीन बड़े टेस्टी है. रायता किसने बनाया, भैया ने? रायता भैया ने बनाया है. और नहीं, ये देख लो नित्या, बस अभी खाना खिला के अब उठे हैं. ये सब लोग अभी खाना ही खा रहे हैं, पापा भी खाना खा रहे हैं. हम लोग अब निकल रहे हैं, मैं और नित्या, क्योंकि जाके घर पे बहुत से काम है और इसके पापा को निकलना भी है, गांव जाना है. तो स्पेशली एक्चुअली उनको कुछ सामान लेके आना है गांव से. अभी जाएंगे रात रह के, सुबह जल्दी आ जाएंगे वापस. चलिए अभी घर चलते हैं. मंगा लियो ले लियो एक वो जनकशी जनकाई नाम चो को जिसे कलर ज्यादा आओ ची को जे लाई चा जनकाई को तेल आओ चू यो ही चगा काई दू ओए यो चगन गाई ची मा यो अलग से लाई चाई चो डाल अच्छा ही लाई चा तो भाई तेल तो चमेली को जनकाई को यो तो कण गाई चुका है मनी हाथ को ना एक एक कीजिए एक लो एक चीज ला डिकोडे पर आगे चाय पीवा भी काएगा जिसु तेल चढ़ेगा ना मुंह भी लेगा ना तो काए लेगी फिर ये चाय पीवा भी तो खाली चाबी देख 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 गाल पकड़ती
गाल पकड़ा चाहिए जाजा। तो बस तेलों की तैयारी चल रही है। एक्चुअली क्या होता है, तेल चढ़ाते हैं, फिर दुल्हन नहाती है, फिर हम रेवड़ी पूजने जाते हैं। जो हमने खाना घर के टाइम पे भी हम लोग कुछ ऐसे पूजा करने गए थे ना, आज कुछ डिफरेंट तरीके की पूजा होगी, वैसी नहीं होगी ऑफकोर्स, बट हाँ घर से बाहर जाएंगे जहाँ पे भी कचरा वगैरह डालते हैं तो वहाँ पे रेवड़ी बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे कचरा फेंकते हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे किसी जगह की एक पूजा होगी। तो अभी ये तैयार होगी, तेल चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद में इसको जो भी वो हल्दी सीख सा जो लगता है वो सब लगेगा और फिर ये नहाएगी, फिर हम
तो गाइस 10:15 हो चुके हैं और मैं तो आ गई थी यहाँ पे 9:45 बजे अंदर रूम में नित्या को लेके। अब सोता है, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया यार। मैं और बेटू जो है यहाँ सोने की तैयारी कर रही, ये पहले आधा ही नींद तो नहीं निकाली लेकिन ये सो नहीं पाया उधर था। तो क्या कर रहे बेटा, तो बस अब चलते हैं सोने और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 करते बाय बाय।